हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2014 पेपर वन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लिंक दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है पी, और उसके बाद में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ एक पॉइंट दिया गया हमें क्यू। हमें बोला गया कि यहाँ पर अगर पी पॉइंट पर वेलोसिटी हमें फाइंड करना है और क्यू पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कंडीशन में अगर P और Q की वेलोसिटी के बीच में हम लोग कोई रिलेशन यहाँ पर फाइंड करना चाहें तो ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ P यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन दी गई है, अगर मैं लिंक के अलॉन्ग इसका एक कॉम्पोनेंट कंसिडर करूँ तो लिंक के अलॉन्ग इसका कॉम्पोनेंट आएगा वी पी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पी कॉस 20। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर क्यू पॉइंट के ऊपर बात करें तो क्यू पॉइंट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ क्यू है। अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल हमारे पास में यहाँ पर 20 डिग्री है तो क्लियरली यहाँ से ये जो एंगल आएगा, ये एंगल मैं बता सकता हूँ 25 डिग्री। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे लिंक के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट, तो ये लिंक के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट आएगा हमारे लिए वी क्यू कॉस 25 डिग्री। सो फाइनली हम लोग जानते हैं कि पी क्यू एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड लिंक है, डेफिनेटली रिजिड बॉडी होनी चाहिए। इसलिए बोल सकते हैं लिंक के अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट्स आएंगे यहाँ पर, लाइक वेलोसिटी वी पी कॉस 20 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू कॉस 25 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ क्यू इज 1 एंड कॉस 25 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ पी हमें फाइंड करना है कॉस 20। सो फाइनली यहाँ से सिंप्लीफाई जैसे हम लोग करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी ये हमें मिलने वाला है 0.96 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग देख सकते हैं ऐसा डी ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.